हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्लास ट्वेल्थ में चल रहा था। आज हम लोग लास्ट क्लास में जहां पे छोड़े थे उसके आगे बढ़ेंगे। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व हो गया था, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लिखा है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018। बोल रहा है ए और बी का बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 का। लाइबिलिटीज एसेट्स, लाइबिलिटी साइड में है मिसिज ए लोन, मिसिज बी लोन, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और दोनों पार्टनर ए और बी का कैपिटल। एसेट साइड में है कैश और बैंक, दोनों अलग अलग है। हम बोले सर किसका अकाउंट बनाइएगा? बैंक का अकाउंट बना लेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि जब दोनों चीज रहता है तो कैसे डील करते हैं। उसके बाद है डेटर लिस्ट, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रक, प्लांट एंड मशीन और बी का ड्रॉइंग। ये पहला आइटम है जो आज हम लोग को दिख रहा है, लेकिन क्या बी का ड्रॉइंग हम लोग जानते हैं कहां जाता है? सर पार्टनर का चीज है, कहां जाता है ड्रॉइंग? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। बहुत बार फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग लिखे भी हैं कि सर जो ड्रॉइंग होता है वो पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड में जाता, तो वहीं पे चला जाएगा। नीचे पढ़िए पॉइंट, हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। बोल रहा है आधा स्टॉक 10% कम में बिक जाएगा एंड रिमेनिंग हाफ टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन बुक वैल्यू, और बचा हुआ आधा ए ले जाएगा, पार्टनर ए ले जाएगा 20% अधिक वैल्यू में। नंबर टू, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए लाइबिलिटी अंडर एक्शन फॉर डैमेज वॉज सेटल्ड एट 12,000 अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर। बोल रहा है क्रेडिटर के अंदर 10,000 का एक लाइबिलिटी है जिसका सेटलमेंट 12,000 रुपया में होगा, तो जो ऊपर में बैलेंस शीट में क्रेडिट दिख रहा है आपको 30,000 का, उसके अंदर दो तरह का लाइबिलिटी है। एक लाइबिलिटी है 10,000 का जिसको हम 12,000 पे करके सेटल करेंगे और बाकी का 20,000, हम बोले सर क्वेश्चन बताएगा बाकी का 20,000, और अगर नहीं बताएगा तो सर 20,000 को 20,000 में सेटल कर लिया जाएगा। आगे पढ़िए, एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, प्लांट एंड मशीन 1,00,000, ट्रक 1,20,000, गुडविल वॉज सोल्ड फॉर 25,000, बैड डेट 5,000। तो सर जो डेटर है उसमें 5,000 डूब जाएगा तो बाकी पैसा मिल जाएगा। हाफ द इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का जो आधा है वो हाफ प्राइस में बिक जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कितने का है? 10,000, तो उसका आधा कितना होगा? 5,000, तो वो 5,000 में ही बिक जाएगा। फोर्थ, ए प्रोमिस टू पे ऑफ मिसिज ए लोन एंड टेक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। जो ए है वो मिसिज ए का लोन ले जाएगा और जो आधा इन्वेस्टमेंट है वो 10% डिस्काउंट पे ले जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल पेबर वेयर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 month आफ्टर 31 मार्च बट वेयर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च एट 12% डिस्काउंट पर एनम। बोल रहा है क्रेडिटर 30,000 में 10,000 वाला क्रेडिटर था और एक 20,000 वाला, 10 वाला कितना पेमेंट हुआ? 12,000 में, बचा कितना? 20,000 का क्रेडिटर। बोल रहा है उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 12% करके 1 महीने का, क्योंकि 1 महीने का टर्म पीरियड है। और बिल्स पेबल में डिस्काउंट कितना मिलेगा? सर 12% करके 1 महीने का। बोल रहा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो नेसेसरी अकाउंट क्या क्या बनाना है? सर वही रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक का अकाउंट, 3 अकाउंट हम खोल के रखें। चलिए सबसे पहले हम लोग सर बैलेंस शीट के आइटम को लिखना शुरू करें। बैलेंस शीट का आइटम इसी 3 लेजर में जाएगा और किसी एक ही जगह वो जाएगा, मतलब एक ही बार ट्रीटमेंट हो सकता है बैलेंस शीट के आइटम का। शुरू किया जाए, सबसे पहले देखें लाइबिलिटी साइड। सर दो लोन है, क्या ये दोनों पार्टनर है? नहीं, तो सर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड मिसेस ए लोन और मिसेस बी लोन। पैसा देखो, ए का है 15,000 और बी का है 10,000। नेक्स्ट क्रेडिटर 30,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल 10,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
अमाउंट 5000, कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट 1 लाख ए का और 80,000 बी का। एसेट साइड लिखा है कैश और बैंक, तो सर जो बैंक है वो तो बैंक अकाउंट में 2 बैलेंस BD जिसका अमाउंट है 3400 और जो कैश है 4200, वो कहां जाएगा? हम बोले सर बैंक अकाउंट में ही जाएगा। किस साइड? डेबिट साइड, एसेट से। किस नाम से? कैश। सर बैंक अकाउंट में कैश कैसे जाएगा? जो बैंक कैश का पैसा था वो लाके हम बैंक में जमा कर दिए, तो सर कैश खत्म हो गया, बैंक में जमा हो गया, कितना रुपया है? 4200। बात समझ रहे कि सर कैश जो मेरे बिजनेस में पड़ा हुआ था, गल्ला पे पैसा पड़ा हुआ है, तो हम जाके उसको कहां जमा कर दिए? बैंक में। तो बैंक में जमा होने से पैसा बढ़ गया बैंक के अंदर और कैश खत्म हो गया मेरे गल्ले से। नेक्स्ट डेटर, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में अमाउंट 30,000 और प्रोविजन रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में अमाउंट 2000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन के डेबिट साइड में अमाउंट 10,000, स्टॉक 40,000, ट्रक 75,000, प्लांट एंड मशीन 80,000 और फिर क्या दिया हुआ है? बी का ड्राइंग। ड्राइंग तो सर कैपिटल अकाउंट का चीज है, डेबिट साइड क्या लिखेंगे? ड्राइंग किसका है? बी का, तो बी में पैसा लिख देंगे 9400। तो बैलेंस शीट का सारा बात लिख चुके और आप देखो कि हां सर एक ही बार आता है, दो जगह नहीं जाता है, लेकिन नीचे का इंफॉर्मेशन हमेशा कितना बार जाएगा? दो बार। चलो पढ़े। पहला, हाफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन ओवर बाई ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। स्टॉक पे बात करें सर, स्टॉक कितने अमाउंट का स्टॉक है? स्टॉक है 40,000 का। ध्यान देना कि सर स्टॉक कितने का है? 40,000। बोल रहा है हाफ, तो सर 40,000 का हाफ कितना? 20, और बचा हुआ हाफ भी कितना? वो भी 20। बोल रहा है सर जो हाफ है उसको 10% लेस में बेच देंगे, तो ये कितने में बिकेगा? 18,000 सोल्ड, और बचा हुआ हाफ 20% अधिक में ए ले जाएगा। कौन ले जाएगा? ए। तो बताओ एंट्री, बेचे तो क्या एंट्री हुआ? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक के डेबिट में। नाम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। एटीन थाउजेंड रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट में बाय बैंक। और जो हाफ ए ले गया उसका एंट्री ए कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, जो ले गया उसको डेबिट किए और टू में क्या लिखे? रियलाइजेशन की सर जो एसेट्स वो ले गया मेरे बुक्स में वो है ही नहीं, जो चीज नहीं है उसका पैसा लेंगे तो फायदा होगा, फायदा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बना? ए कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो सर ए का डेबिट में लिखिए टू रियलाइजेशन। क्या ले गया है? स्टॉक 24,000, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में बाय ए कैपिटल। क्या ले गया है? स्टॉक 24,000। दो बार ट्रीटमेंट हो गया, पहला पॉइंट खत्म। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए लाइबिलिटी अंडर द अंडर एक्शन फॉर डैमेज वॉज सेटल्ड एट 12,000। बोल रहा है डैमेज के लिए आप 12,000 रुपए का पेमेंट किए हैं अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर,
और इसके लिए 10,000 पहले से आप क्रेडिटर में इंक्लूड रखे थे कि देना पड़ेगा। तो सर जो क्रेडिटर 30 का दिख रहा है उसके अंदर दो तरह का लायबिलिटी है, एक 10,000 का और एक 20,000 का। 10,000 वाला ने कितना पेमेंट किए, 12। एंट्री क्या बना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो पैसा क्रेडिट, डेबिट में किसका नाम लिख रहे होंगे सर, लॉस का। लॉस का नाम क्या, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक। डैमेज कितना पेमेंट किए हैं, 12, और बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन। क्रेडिटर में अभी भी 20,000 रुपए बाकी है। आगे बढ़ो, थर्ड पॉइंट, एसेट्स रियलाइज। तो सर एसेट्स दिखा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के अंदर क्या क्या बिका, प्लांट एंड मशीन 1,00,000, ट्रक 1,20,000, गुडविल 25,000, बैड डेट होगा 5,000 का। तो डेटर कितना में बिकेगा, डेटर था कितने का, 30 का, 5,000 डूब गया तो 25 रियलाइज हो गया। नेक्स्ट, हाफ इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट बुक वैल्यू। बोल रहा है आधा इन्वेस्टमेंट बिक जाएगा जितने का था उतने में ही। तो सर 10,000 का इन्वेस्टमेंट है तो उसका आधा कीजिए 5,000, कितने में बिकेगा उतना में ही, मतलब 5,000 में ही बिक जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट 5,000, आधा इन्वेस्टमेंट बचा रह गया। पॉइंट नंबर 3 हो गया। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, बाय बैंक क्या क्या बिका, प्लांट एंड मशीन 1,00,000, ट्रक 1,20,000, गुडविल 25,000, डेटर 25,000, इन्वेस्टमेंट 5,000। पॉइंट नंबर 4, ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसिज ए लोन। ए क्या किया, मिसिज ए लोन ले गया तो लायबिलिटी ले जा रहा है, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। क्योंकि सर लायबिलिटी ले जाता है तो एंट्री क्या करते हैं कि रियलाइजेशन को डेबिट कर देते हैं, और जो पार्टनर ले जाएगा उसका नाम क्रेडिट, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू ए कैपिटल। किस चीज के लिए, मिसिज ए लोन के लिए। कितना का था, 15,000। फिर आगे लिखा हुआ है बाकी जो आधा, तो सर इसका दो बार एंट्री होगा, 15,000 एक बार, दूसरा बार ए कैपिटल क्रेडिट हुआ तो बाय रियलाइजेशन 15,000। किस चीज के लिए लिखे हैं, ए लोन के लिए। नेक्स्ट, फिर बोला है आधा इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट में ले जाएंगे। तो सर इन्वेस्टमेंट पे बात कर ले, ये तो हो गया था। ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का था, आधा 5,000, दूसरा हाफ 5,000, कि सर ये है आधा, ये भी आधा, ये हम लोग बेच दिए सोल्ड 5,000 में, और जो बचा उसको 10% के डिस्काउंट में कितना आएगा, 4,500। कौन ले गया, ए। तो पार्टनर ए ले जाएगा एंट्री, ए कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ए कैपिटल डेबिट हुआ टू रियलाइजेशन लिख दीजिए, कितना में, 4,500। क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट, कितना, हाफ, और रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट ए कैपिटल के अंदर लिख दिए 4,500। पॉइंट नंबर 4 भी खत्म। पॉइंट नंबर 5, ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वेयर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31st मार्च।
बट वी आर पेड इमीडिएटली एट 12% डिस्काउंट पर एनम। तो सर 12% डिस्काउंट एक महीने का पेमेंट किया जाएगा क्रेडिटर और बिल पेबल का। तो पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में बैंक के अंदर क्रेडिटर और बिल्स पेबल। आइए निकाल के दिखाएं क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पैसा। ये हो गया होगा अब तक, बीस हजार। इसमें क्या घटेगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 12%। तो सर क्रेडिटर को पेमेंट होगा 19,800। जो 12% है वो एक साल का डिस्काउंट है, जबकि समय तो बस एक ही महीने का है। तो सर हम एक महीना पहले पेमेंट किए तो एक महीने का ही डिस्काउंट दिया जाएगा, 200 रुपया। तो पेमेंट कितना हुआ? 19,800। सर क्रेडिटर 20,000 कैसे हुआ? क्रेडिटर 30,000 था, 30,000 में 10,000 डैमेज वाला इंक्लूड था, तो डैमेज वाला तो पे कर चुके ना 10 का, 10 के लिए 12 पे किए। तो क्रेडिटर जो 30 का था उसमें 10,000 डैमेज का था, 20,000 अदर क्रेडिटर था। तो 10 का पेमेंट कर चुके, उसका दोबारा पेमेंट थोड़ी होना है। अब तो सिर्फ जो 20 बचा है उसके बारे में बात होगा, जो 20,000 का बचा हुआ है उस पर डिस्काउंट निकाल के पे कर दिए। बिल्स पेबल कितने का है? 10,000। तो सर इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा एक महीने का, 12% एक महीने का, तो 90,900। ये भी हो गया। और बोलो, खत्म, और कुछ नहीं है। जैसा कि हम लोग सीखे थे कि सर जब सारा काम कर लीजिए तब ये देखिए कि सारा रियल लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ या नहीं, दिखाते हैं। मिसिस ए लोन पेमेंट हो गया? जी, ए ले गया। मिसिस बी लोन 10,000, क्या पेमेंट हुआ? नहीं। तो पेमेंट करिए, बाहर का लोग है, कुछ नहीं बोलता है। तो हम लोग लिख के रखे थे कि सर अगर लाइबिलिटी के बारे में, जो रियल लाइबिलिटी है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो पूरा पे करना पड़ेगा, तो पूरा पे कर दिए। क्रेडिटर पे हो गया, बिल्स पेबल पे हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर उसके बारे में कुछ नहीं बोला, पे करो। प्रोविजन वो रियल लाइबिलिटी नहीं है। तो सर मिसिस बी का लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट किए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दो बार ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो क्रेडिटर, बिल पेबल, मिसिस बी लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इन सभी का एंट्री होगा। तो एंट्री तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दी, अब बैंक के क्रेडिट में लिख दो क्योंकि बैंक तो क्रेडिट हुआ होगा। क्रेडिटर कितना? 19,800। बिल्स पेबल 99,000। मिसिस बी लोन 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000। ये सारा चीज कर लिए, दो बार ट्रीटमेंट हो गया। हर चीज का ट्रीटमेंट कितना बार होना चाहिए? दो बार। अगर आप दो बार नहीं किए तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद और कुछ बचा है? नहीं। अब हम लोग निकाल सकते हैं प्रॉफिट लॉस। चलिए जोड़ा जाए और जोड़ के बाहर किया जाए। पहले 12,000 प्लस 19,800 प्लस 99,000 प्लस 15,000, 56,700, 18,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 25,25, 50,000 प्लस 5,000, 293,000। आइए प्रॉफिट निकाले। 293 प्लस 24,000 प्लस 4,500 प्लस 15 और 10, 25,000 प्लस 30 और 10, 40,000 प्लस 5 और 2, 7,000, 393,500 माइनस 30 और 10, 40,000 माइनस 40,000 माइनस 75,000 माइनस 80,000
86,800 आइए बुक से मैच कराएं आंसर 86,800 टू पार्टनर कैपिटल। चलिए देखा जाए प्रॉफिट रेशियो क्या क्वेश्चन ने बताया है, कुछ नहीं तो सर इक्वल बांट देंगे 43,400। अब ये प्रॉफिट कहां जाएगा सर, बैलेंसिंग फिगर से है तो प्रॉफिट कहां जाता है, पार्टनर के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट। एक लाख पंद्रह हजार प्लस 43,400 158,400 28,500 ये क्या निकलेगा बैलेंसिंग फिगर कि सर पेमेंट कर दीजिए जो बैलेंसिंग आएगा, और 123,400 माइनस 9,400 114,000 सेकेंड टाइम सर ये बैलेंसिंग फिगर फिर बैंक में चला जाएगा बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल। कितना 129,900 और बी का है 114,000। चलिए जोड़ के बाहर करिए 293 और लाइबिलिटी को जोड़ के बाहर करेंगे तो 56,700 जोड़ा जाए। अगर सही बना होगा तो क्या होगा बैंक टैली कर जाएगा 3400 प्लस 4200 प्लस 293,000 3,600,000 क्रेडिट साइड में 56,700 मैच कर रहा है 3,600,000। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़े। Following is the balance sheet of A, B and C as at 31st March 2018। बोल रहा है A, B, C का balance sheet दिया हुआ है जिसका liability और assets दिया हुआ है। Liability side में है creditor Mrs. A, loan, outstanding salary, investment fluctuation fund, reserve और capital। Asset side में है bank, bill receivable, stock, debtor, provision for doubtful debt, land and building, furniture, typewriter और investment। Total है balance sheet का 2,00,000। The profit and loss sharing ratio of the partner are 3:1। तो सर profit sharing ratio 3:1 का दिया हुआ है। बोले good, आगे बढ़िए। फिर लिखा है at the above date partner decided to dissolve the firm। तो बोल रहा है जो ऊपर का date है सर उसी दिन वो dissolve करना चाहता है partnership को, तो हम लोग को balance sheet भी उसी दिन का चाहिए और उसी दिन का balance sheet दिया हुआ भी है। The assets realized were as follows। Number वन, बिल रिसीवेबल रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। जो बिल रिसीवेबल है वो 5% कम में बिकेगा। डेटर वेयर ऑल गुड्स, मतलब डेटर से सारा पैसा मिल जाएगा। स्टॉक रियलाइज 32,000, लैंड एंड बिल्डिंग 40% हायर देन द बुक वैल्यू। जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 40% अधिक में बिकेगा, ज्यादा में। फर्नीचर वेयर सोल्ड फॉर 6,000 बाई ऑक्शन एंड ऑक्शनर कमीशन अमाउंटेड टू 300। बोल रहा है फर्नीचर जो है 6,000 में बिका है नीलामी में, जिसके लिए 300 कमीशन कटा है। तो सर फर्नीचर बेच के पैसा कितना मिला होगा 5,700, क्योंकि 6,000 रुपीज का बेचे 300 रुपीज तो डिडक्ट हो गया होगा बेचने के समय ही, तो सर हाथ में कितना पैसा आया होगा 5,700। तो हम लोग को 5,700 से ही मतलब होगा। आगे बढ़ा जाए, फिर लिखा है थर्ड नंबर, टाइपराइटर वॉज टेकन ओवर बाय ए एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 5,000। सर टाइपराइटर ए ले जाएगा।
इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड इन दी ओपन मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 25,000 फॉर विच ए कमीशन ऑफ 2% वाज पेड टू द ब्रोकर। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट मार्केट में 25,000 में बिका, लेकिन उसके लिए हमको 2% क्या देना पड़ा, कमीशन। तो सोचो ध्यान से, 25,000 में बेचे जिसमें 2% कमीशन देना पड़ेगा, 2% निकालो कितना आएगा, 500 रुपया। 25,000 में अगर हम 500 का कमीशन दे दिए तो मेरे हाथ में पैसा कितना आएगा, 24,500। तो सर आपको एंट्री 24,500 से ही करना चाहिए, क्योंकि वही पैसा आपके हाथ में आने वाला है, ब्रोकर तो पैसा काट के ही आपको देगा। तो सर जो होगा काम वो सिर्फ 24,500 से कीजिएगा, 25,000 से कोई मतलब मत रखिएगा। हम बोले ठीक है। पांचवा नंबर, क्रिएटर एग्री टू एक्सेप्ट 10% लेस, मतलब क्रिएटर को 10% कम में पेमेंट करेंगे वो मान जाएगा। ऑल अदर लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ एट देयर बुक वैल्यू, बाकी बचा हुआ सारा लाइबिलिटी अपने बुक वैल्यू में पे कर दिया जाएगा। सिक्स नंबर, द फर्म रिट्रेंच देयर इंप्लॉइज 3 मंथ बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जो फर्म है वो अपने सारे इंप्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया बंद होने से, बिजनेस बंद होने से 3 महीना पहले, एंड द फर्म हैड टू पे 25,000 एज कंपनसेशन। बोल रहा है इसके लिए 25,000 रुपया पे करना पड़ेगा कंपनसेशन के रूप में। दिस लाइबिलिटी वॉज नॉट अपेयरिंग इन दी एवर बैलेंस शीट, ये लाइबिलिटी ऊपर के बैलेंस शीट में नहीं है। बोले ठीक है सर कोई नहीं, नहीं है तो क्या दिक्कत है, हमको तो पेमेंट करना है, पेमेंट करेंगे। क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म बाय प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, 3 अकाउंट हम लोग को बना करके दिखाना पड़ेगा। क्या इसमें ऐसा कुछ भी है जो नहीं बने, हम बोले ऐसा कुछ है ही नहीं, चाहे वो कुछ भी नाम लिख दे। हम लोग जानते हैं कि सर नीचे के बात का होता है एंट्री, एंट्री हम लोग बस दो ही चीज को मिलाए कर सकते हैं, एक रियलाइजेशन और दूसरा बैलेंस शीट में रखा हुआ आइटम। लेकिन जो आइटम हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं उस आइटम को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर वो आइटम बंद हो गया है। चलिए शुरू किया जाए, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पकड़ते हैं। क्रेडिटर कहां जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि सर हम लोग को लाइबिलिटी को क्लोज करना है। अमाउंट 30,000, और क्या है, दिस इज ए लोन, ये भी जाएगा क्योंकि सर ये भी बाहर का लोन है, पार्टनर का लोन ए और बी का होता है, मिसिज ए तो पार्टनर नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी एक रियल लाइबिलिटी है, जी ये एक रियल लाइबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सर ये यहां क्यों जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनता है, तो इन्वेस्टमेंट का रिस्क मिनिमाइज करने के लिए इसको लिखा जाता है। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट जाएगा रियलाइजेशन में, तो उसका बचा हुआ फंड भी कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। रिजर्व, रिजर्व तो पार्टनर में बटेगा, बाय रिजर्व, किस रेशियो में, 3:1, तो सर 6,000, 4,000, 2,000। कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, उसके बाद एसेट साइड बैंक, तो बैंक तो बैंक अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी 15,000। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल एसेट्स में, टू बिल रिसीवेबल 12,000। नेक्स्ट स्टॉक 40,000, डेटर 40,000, प्रोविजन 4,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। नेक्स्ट फर्नीचर 10,000। टाइपराइटर 7,000 और इन्वेस्टमेंट 30,000। तो बैलेंस शीट का सारा आइटम हम लोग जहां पे जाना चाहिए वहां वहां लिख लिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, चलिए हो गया। अब पहला पॉइंट, बिल रिसीवेबल 5% डिस्काउंट में बिक जाएगा, तो बाय बैंक
एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सर बैंक डेबिट हुआ तो बैंक के डेबिट में लिखिए टू रियलाइजेशन, बिल रिसीवेबल 5% सस्ता बिकेगा। तो बिल रिसीवेबल 12,000 का है, उसका 5% 600, तो सर 11,400 में बिका, 600 रुपए सस्ता कर लिए। डेटर वेयर ऑल गुड्स, मतलब डेटर से सारा पैसा मिल जाएगा 40,000। और बताओ स्टॉक 32,000 में बिक जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 40% महंगा बिकेगा, तो सर 70,000 में बिकेगा। 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, उसका 40% निकालो 20,000 आएगा, तो 50 + 20 = 70,000। नेक्स्ट और कुछ तो नहीं है। तो सर बैंक डेबिट हुआ था तो बैंक के डेबिट में आया। एंट्री क्या था, बेचने एसेट्स बेचने का एंट्री क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक का डेबिट हुआ, रियलाइजेशन का क्रेडिट होगा। तो बाय बैंक बिल रिसीवेबल 11,400। नेक्स्ट डेटर 40,000, स्टॉक 32,000, लैंड एंड बिल्डिंग 70,000। पहला पॉइंट का बात खत्म। सेकेंड पॉइंट, फर्नीचर 6,000 में बिक जाएगा लेकिन इस पे कमीशन कटेगा 300। तो सर फर्नीचर बिका तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा, 6,000 या 300 रुपया कमीशन कटने के बाद। सर 300 रुपया कमीशन कटने के बाद ही पैसा मिलेगा, तो 57 रुपीज मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि फर्नीचर है नहीं मेरे पास, बुक्स में तो बंद हो गया, तो पैसा आया जो चीज नहीं है उसके लिए पैसा आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन के अंदर लिख दो फर्नीचर, फोल्ड कर दिए। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में बाय बैंक के अंदर 57,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, टाइपराइटर ए ले गया 5,000 में, तो सर ए कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ए के डेबिट साइड में 5,000। क्या ले गया है, टाइपराइटर। अगला पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट को 25,000 में बेच दिए, 2% का ब्रोकरेज कटा, तो 25,000 का 2% 500 रुपया। तो सर बेचने वाला तो 25 में बेचा होगा और 500 रुपया अपना काट लिया होगा, मेरे पास कितना पैसा लौटेगा, 24,500। एंट्री पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट कितना, 24,500। और सर बाय रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट में बाय बैंक इन्वेस्टमेंट 25,000 क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर कि हम पहले पूरा पैसा 25,000 ले ले और फिर हम जो कमीशन दे रहे हैं उसका एंट्री अलग कर ले। आप कर सकते हो, जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट बेचे तो पैसा आया 25, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 25,000, फिर साथ में एक एंट्री कर लिए कमीशन देने का कि सर पैसा जाएगा टू बैंक और डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन कि सर खर्चा हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 500 रुपया। तो फिर क्या होता, 25 यहां दिखाते 500 यहां दिखाते, इफेक्ट सेम होता और दोनों ही तरीका करेक्ट है। या तो आप नेट करके लिख लो या फिर आप इधर 25 लिख के खर्चा दिखा दो 500 का। तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हम शॉर्टकट ले लिए कि एक एंट्री बचा रहे हैं और कोई बात नहीं है, ये भी 100% करेक्ट है। फिफ्थ नंबर, क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 10% लेस, क्रेडिटर को 10% सस्ता पेमेंट किए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक क्रेडिटर कितना पेमेंट होगा, 27, 10% कम, 30,000 में 10% घटा लो, तो सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में कहां जाएगा, बाय रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड, क्रेडिटर फिर लिखा है ऑल अदर लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ एट देयर बुक वैल्यू, बाकी बचा हुआ लाइबिलिटी अपने बुक वैल्यू में पे हो जाएगा। तो बाकी कौन सा लाइबिलिटी है, मिसेज ए लोन और आउटस्टैंडिंग
क्या था आउटस्टैंडिंग, सॉरी ये सैलरी था, क्या लिख दिए। तो सर दो रियल लाइबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कोई लाइबिलिटी नहीं है रियल का, जो कोई लेने आएगा पैसा, तो इन दोनों का भी पेमेंट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सर रियलाइजेशन के डेबिट में विच इज ए लोन, बुक वैल्यू में बुक वैल्यू कितना है 20, और आउटस्टैंडिंग सैलरी बैंक क्रेडिट हुआ, तो बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, उसके अंदर, तो बाय रियलाइजेशन लिखा हुआ उसी के अंदर लिख दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 भी खत्म। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है फर्म ने अपने एम्प्लॉइज को 3 महीना पहले ही निकाल दिया था बिजनेस बंद होने से, जिस कारण से फर्म को 25,000 कंपनसेशन देना पड़ा। एंट्री सर रियलाइजेशन टू बैंक, खर्चा हुआ, खर्चा डेबिट, टू बैंक पैसा गया, तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखेंगे कंपनसेशन। पच्चीस हजार और बैंक कहां लिखेंगे क्रेडिट में कंपनसेशन 25,000। पॉइंट नंबर 6 भी खत्म और कुछ नहीं। चलिए सबसे पहला काम, जैसे ही हम लोग खत्म कर लेते हैं सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि सर रियल लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ कि नहीं। क्रेडिटर पे हो गया, मिसिज ए लोन पे हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे हो गया, और कोई रियल लाइबिलिटी नहीं है, बस चलो निकाला जाए प्रॉफिट लॉस। 27 + 20 = 47 + 8 + 25 = 80,000 बाहर। एसेट्स का 11,400 + 40 or 32 = 72,000 + 70,000 + 5,700 + 24,500 = 183,600। चलिए प्रॉफिट लॉस निकालें। डेबिट साइड का पैसा अधिक, 12 + 40 = 52 + 40 + 50 + 10 + 37 + 80 = 269,000। माइनस 30 or 20 = 50,000 - 18,000 - 4,000 - 183,600 = 13,400 का लॉस। बाय पार्टनर कैपिटल, एबीसी लॉस तो 8,400 का है। आइए मैच कराएं क्या छूट गया हम लोग से। आइए एक चीज छूट गया है, वो क्या, पार्टनर ए जब टाइपराइटर को ले गया तो एंट्री क्या हुआ था, ए कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ए के डेबिट में आया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, वो छूट गया तो उसको लिखना पड़ेगा हम लोग को। कहां लिखे सर, यहां लिख दो बाय ए कैपिटल, किस चीज का, टाइपराइटर ले गया कितने में, 5,000। अब आ गया आंसर 8,400। एक्चुअली उसका हम एक ही बार ट्रीटमेंट किए थे, वो बात इंफॉर्मेशन में था, दो बार ट्रीटमेंट करना चाहिए था। तो 8,400 को डिस्ट्रीब्यूट करिए, सी को मिलेगा 1,400, 2,800, 4,200। सर लॉस रियलाइजेशन पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन लॉस 4,200, 2,800, 1,400 जोड़िए, और जो निकलेगा वो कहां चला जाएगा, बैंक में।
20,600 बैलेंसिंग फिगर बैंक में, 44 में घटाइए 41,200 और 66,000 माइनस 5,000 माइनस 4,200 56,800 कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में बाय ए कैपिटल 56,800, बी कैपिटल 41,200, करेक्ट होने के केस में दोनों मैच करेगा। आओ मैच कराएं। 56,800, 41,200, 2600 प्लस 80, 198,600 तो सर मैच कर रहा है। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 14। लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना लाल एज एट 31st of March 2016। तो सर बैलेंस शीट दिया हुआ है रामजी लाल का और पन्ना लाल का। लाइबिलिटी साइड में है कैपिटल रामजी लाल पन्ना लाल, रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटर और बिल्स पेबल टोटल है 39,600। एसेट साइड में है गुडविल मशीनरी प्लांट डेटर लिस्ट प्रोविजन और बैंक। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एसेट्स वेयर रियलाइज एज फॉलोज। वो तय किए कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए। नंबर वन मशीन 10% लेस देन द बुक वैल्यू, प्लांट 12.5, गुडविल 2,520। बोल रहा है मशीन जो है वो 10% सस्ता बिकेगा, प्लांट 12,500 में बिकेगा और गुडविल 2,520 में बिकेगा। रामजी लाल इज टू टेक ओवर डेटर अमाउंटिंग टू 6,800 एट 6,000। रामजी लाल क्या बोला कि जो डेटर है 6,800 का वो हम ले जाएंगे, लेकिन कितने में ले जाएंगे? 6,000 में। तो जो डेटर का वैल्यू है वो तो घटेगा 6,800 का, लेकिन ले कितने में जाएंगे? सिर्फ 6,000 में। रिमेनिंग डेटर वे रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू, बाकी बचा हुआ डेटर अपने बुक वैल्यू से 90% में बिकेगा। वन बिल ऑफ 600 अंडर डिस्काउंट हैविंग बीन डिसऑनर्ड हैड टू बी टेकन अप बाय देम। बोल रहा है 600 का बिल है जो कि डिसऑनर हो गया है, वो भी आपको पे करना होगा, पे करेंगे। नंबर फोर बिल पेबल ऑफ 2600 टू बी अज्यूम्ड बाय पन्ना लाल एट दैट फिगर। बोल रहा है 2600 रुपया का बीपी पन्ना लाल ले जाएगा, पूरा नहीं ले जाएगा, 2600 रुपया का ले जाएगा। फिर लिखा है क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, क्रेडिटर 10% डिस्काउंट में पे कर दिया जाएगा। एन अमाउंट ऑफ 2500 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन में 2500 रुपए का पेमेंट किया जाएगा, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना माना जाएगा? 2500, और फिर उसका पेमेंट हो जाएगा। लिक्विडेशन एक्सपेंस 400 का है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रियलाइजेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तीन अकाउंट बनाना है, तीनों का फॉर्मेट हम लोग बना चुके हैं। तरीका वही सर, पहले बैलेंस शीट का आइटम लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला आइटम लाइबिलिटी साइड में है कैपिटल, कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट। बैलेंस बीडी 16,000, 10,000। नेक्स्ट रिजर्व, सर ये भी पार्टनर को बटेगा। क्या रेशियो है? सर रेशियो तो कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन में, फिर तो इक्वल है। 3600 को इक्वल बांट दो, 1800 1800। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 2000 का, जबकि लाइबिलिटी कितने का है? 2500 का। तो सर ये चला जाएगा पूरा का पूरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये सिर्फ 2000 का है, जबकि पेमेंट कितना करना है? 2500 रुपया का। नेक्स्ट क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर 5400 और बिल्स पेबल
2600। एसेट साइड आओ, गुडविल, रियलाइजेशन के डेबिट साइड गुडविल अमाउंट 4000, मशीन 6000, प्लांट 12,800, डेटर 10,800, प्रोविजन 800, और बैंक, बैंक तो सर बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक है 6,800 का। बैलेंस शीट का सारा आइटम जहां जा सकता था वहां लिख दिए। नेक्स्ट, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलोस, मशीन बिक जाएगा, प्लांट बिक जाएगा, गुडविल बिक जाएगा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक है डेबिट में लिखो, नाम किसका लिखेंगे, रियलाइजेशन का। क्या क्या बिकेगा बताओ, मशीन 10% कम दाम, तो सर मशीन कितने का था 6000, 10% कम कर लो 5400, प्लांट 12,500 और गुडविल 2520, तो तीनों लिख लिए, बोले गुड। दूसरा बार कहां जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक का डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन एंट्री में क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखो बाय बैंक। मशीन 5400, प्लांट 12,500, गुडविल 2520। पहला पॉइंट का दो बार ट्रीटमेंट हो गया। पॉइंट नंबर टू, रामजी इज टू टेक ओवर डेटर अमाउंटिंग टू 6800 एट 6000, रिमेनिंग डेटर रियलाइज 90% ऑफ बुक वैल्यू। आइए ड्राइंग बना के फिर समझेंगे हम लोग डेटर को। डेटर, डेटर का वैल्यू कितना है सर, डेटर का वैल्यू तो 10,800 बोल रहा है, 6800 का डेटर कितना में ले जाएगा, 6000 में, कौन ले जाएगा, रामजी। तो सर 10,000 में 68 का डेटर तो रामजी ले गया, बचा कितने का 4000, ये कितने में बिकेगा बोला 90% में, तो सर ये बिकेगा 3600 में, ये सेल होगा। तो सर पहले रामजी वाला, रामजी डेटर ले गया 6000 में एंट्री, तो सर एंट्री होगा रामजी कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट्स ले जाने का एंट्री, तो सर रामजी के डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन। क्या ले गया है वो, डेटर कितने में 6000 में, एक बार हुआ, दूसरा बार बाय रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में लिखो रामजी कैपिटल, क्या ले गया है डेटर 6000। अब बेचने वाले का एंट्री कितने में बिका है 3600, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो सर बैंक के डेबिट में डेटर 3600, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक के अंदर 3600। पॉइंट नंबर टू भी खत्म, चलो पॉइंट नंबर थ्री की ओर बढ़ो। लिखा है 600 का एक बिल डिसऑनर हो गया, जो कि अब हम लोग को लेना पड़ेगा, मतलब का पेमेंट करना पड़ेगा, तो सर बिल का पेमेंट किए तो पैसा गया, तो सर लॉस हुआ, रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखो टू बैंक, बिल डिसऑनर कितने का 600, और बैंक क्या हुआ क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखो बाय रियलाइजेशन। बिल्ड इज ऑन 600,
सिर्फ एंट्री का खेल है और कुछ नहीं, आपको एंट्री आना चाहिए, एंट्री स्ट्रांग कीजिए। पॉइंट नंबर फोर, बिल पेबल 2600 टू बी अज्यूम्ड बाय पन्नालाल एट दैट फिगर। बोल रहा है जो बिल पेबल है वो 2600 रुपया में कौन ले जाएगा? पन्नालाल। तो सर लाइबिलिटी ले गया, एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पन्नालाल, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नाम किसका? पन्ना का, पन्नालाल कैपिटल। क्या ले जाएगा? बिल पेबल। तो सर रियलाइजेशन डेबिट हुआ तो डेबिट में, पन्नालाल क्रेडिट हुआ तो पन्नालाल का क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। क्या ले गई है? बीपी 2600। पॉइंट नंबर थ्री भी खत्म, पॉइंट नंबर फोर भी खत्म। पॉइंट नंबर फाइव, क्रेडिटर आर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, बैंक के अंदर क्रेडिटर। कितना में पेमेंट होगा? क्वेश्चन में बोला है 10% डिस्काउंट में, 5400 में 10% माइनस कीजिए। आओ देखें, 5400 में 10% माइनस कीजिए तो सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट बैंक, तो क्रेडिट हुआ तो बैंक के क्रेडिट में लिखो बाय क्रेडिटर 4860। पॉइंट नंबर फाइव भी खत्म। पॉइंट नंबर सिक्स, 2500 रुपया का वर्कमैन कंपनसेशन पे होगा, तो रियलाइजेशन टू बैंक पैसा फिर गया वर्कमैन कंपनसेशन 2500 रुपया, बैंक क्रेडिट तो बैंक क्रेडिट, वर्कमैन कंपनसेशन 2500 रुपया। पॉइंट नंबर सिक्स भी खत्म। पॉइंट नंबर सेवन, लिक्विडेशन में खर्चा होगा 400, तो रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लिक्विडेशन एक्सपेंस 400। तो सर बैंक क्रेडिट होगा तो बैंक के क्रेडिट में लिक्विडेशन एक्सपेंस 400, और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं है। तो सर सबसे पहले हम लोग को यह देखना चाहिए कि सारा रियल लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ या नहीं। हम बोले आओ चेक करें, सर 2000 का था 2500 पेमेंट हुआ, पेमेंट हुआ, क्रेडिटर पे हो गया, बिल्स पेबल पे हो गया, प्रोविजन लाइबिलिटी रियल है ही नहीं तो सारा लाइबिलिटी हो गया। चलो बाहर करें, 600 प्लस 4860 प्लस 2500 प्लस 400 8360, इधर 5400 12500 2520 और 3600 24020। तो सर इसको भी बाहर कर ही दीजिए, 8360 24020 ये भी हो गया। चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए प्रॉफिट और लॉस। डेबिट साइड का पैसा देखने से अधिक लग रहा है, 10000 प्लस 12800 प्लस 10800 प्लस 8360 प्लस 2600 44560 माइनस 2000 माइनस 5400 माइनस 2600 माइनस 800 माइनस 24020 माइनस 6000 3740 का लॉस। आइए मैच कराएं बुक से, 3740 का लॉस मैच कर गया, किसको मिलेगा? पार्टनर को। एक है राम जी, एक है पन्ना, कैसे बटेगा? इक्वल, क्योंकि रेशियो बताया नहीं है। 1870 लॉस निकल गया, 3740। सर इस लॉस का दूसरा ट्रीटमेंट पार्टनर कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन लॉस। जोड़िए और क्या निकाल लीजिए, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। फिर सर ये बैंक यहां चला जाएगा, चलो जोड़ो 17800 और
11,800 प्लस 2,600 14,400। माइनस पेमेंट होगा पन्ना लाल को 12,530। 17,800 माइनस 6,000 माइनस 9,930। सर बैंक का अकाउंट में लिखिए कैपिटल का नाम रामजी कैपिटल कितना 9,930 और पन्ना लाल कैपिटल 12,530। सही होने के केस में मैच कर जाएगा। आओ जोड़े 30,820 इधर भी जोड़े 9,930 प्लस 12,530 प्लस 8,360 30,820। तो सर ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का भी सॉल्यूशन। लिखिए